इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, हम किसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आपके क्लास के, मतलब क्लास वन के सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर के बारे में। उससे पहले अगर आपने फर्स्ट यूनिट का भी चैप्टर नहीं देखा है, सेकेंड यूनिट का भी चैप्टर नहीं देखा है या पढ़ा नहीं है, तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर, लिंक मतलब ऊपर आप देखो तो एरो जो मैंने बनाया है, उस एरो के ऊपर आपको दिखेगा एक लाइन, उस लाइन पे लिखा होगा क्लास वन यूनिट वन, क्लास वन लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। उसको आप क्लिक करोगे तो आप पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हो या समझ सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो से पहले आपको मैं कुछ वर्ड मीनिंग बताऊंगा, मतलब कुछ वर्ड होंगे उसकी हिंदी मीनिंग, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका क्या मीनिंग होगा। चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम सॉरी वहाँ लेसन टू होगा, जहाँ लेसन वन लिखा है उसका वहाँ क्या होगा, लेसन टू। तो मेरी गलती है, सॉरी, फिर से बता रहा हूँ। क्लास वन पढ़ते हो, सीबीएसई पढ़ते हो, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट का नाम है, यूनिट टू का सेकेंड लेसन होगा, मैंने वहाँ फर्स्ट लेसन लिखा है उसके लिए सॉरी। चैप्टर का नाम जो है क्या है, द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू। तो बबल मतलब क्या होता है, बुलबुला, जो आप क्या करते हो जब आप सोप लेते हो, कौन सा सोप, वॉशिंग सोप, जब आप लेते हो वॉशिंग मतलब कि कपड़ा धोने वाला साबुन लेकर, आप क्या करते हो उसको, आप जो हाथ से रगड़ते हो और फूंक मारते हो तो क्या एक बुलबुले के रूप में निकलता है ना, बड़ा बढ़िया लगता है। और मेले में भी आपको मिलता है वो वाला कि आप पाइप डालते हो, फूंक मारते हो तो गोला गोला गुब्बारा जैसा निकलता है ना, वही उसको बबल कहते हैं। एंड स्ट्रॉ एंड शू, स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, भूसा होता है, एंड शू मतलब होता है आपका जूता, लेकिन स्ट्रॉ मतलब भूसा भी होता है, एक और मीनिंग होता है। स्ट्रॉ आप जो पीते हो, जब चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो या ठंडा पीते हो, तो स्ट्रॉ मिलता है ना, रेस्टोरेंट में जाते हो या होटल में जाते हो तो आपको क्या मिलता है, ठंडा ठंडे के साथ पाइप मिलती है, या फ्रूटी पीते हो तो जो पाइप मिलती पतली थी उसको भी स्ट्रॉ कहते हैं। अब हम चैप्टर में देखेंगे कौन सा स्ट्रॉ की बात हो रही है, भूसे वाले स्ट्रॉ की बात हो रही है कि वो जो पाइप होता है जिससे हम जूस पीते हैं या ड्रिंक पीते हैं उसकी बात होती है, देखेंगे। शू मतलब तो आपको पता है जूता होता है। वंस मतलब, इसको वंस पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है एक बार। फिर लास्ट वाला जो लिखा उसका मतलब होता है अप ऑन, क्या पढ़ते हैं अप ऑन, अप ऑन मतलब के ऊपर, जैसे होता है ना किसी चीज़ के ऊपर, एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, आपके क्लास के ऊपर दूसरा क्लास हो सकता है चलता होगा, या आपके क्लास के ऊपर छत होगी आपके स्कूल में, है ना। आपके क्लास के ऊपर कौन सी क्लास चलती है, मान लो कि फिफ्थ चलती है, क्लास फाइव चलती है, क्लास सिक्स चलती है, या ऊपर जो क्लास चलती है वो क्लास टेन है, या भैया लोग की क्लास है, या क्लास है ही नहीं ऊपर छत है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अपॉन मतलब ये होता है। और मीनिंग क्या उसके हो सकते हैं, लिव्ड, लिव्ड मतलब रहते थे आप, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक सिटी में रहते हो, कहीं और रहते थे गांव में, फिर आप शहर में आ गए, तो लिव्ड हम गांव के लिए लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, गांव के लिए। वेंट मतलब चला गया, गो जानते हैं ना, बोलते हैं ना गो देयर, मैम बोलते हैं ना गो देयर, मैम जब आप कहीं बैठे हो तो मैम बोलते हैं कि जब आप पीछे सीट बैठो तो मैम इंग्लिश में बोलती है ना गो देयर, तो गो मतलब होता है जाना, और वेंट मतलब होता है चला गया, वो वहाँ से चला गया। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल, जहाँ जंगली शेर होते हैं वो सब। केम मतलब आ गया, वेंट मतलब चला गया, और केम मतलब आ गया। कम बोलते हैं ना कम इन, बोलते मैं आई कम इन मैम, जब आप बाथरूम जाते हो फिर क्लास में अंदर आते हो तो बोलते हैं मैं आई कम इन मैम, मैम बोलते हैं यस कम इन, तो कम मतलब होता है आना, और के मतलब होता आ गया। नो मतलब जानना, के साइलेंट होता है, के साइलेंट मतलब के को हम नहीं पढ़ेंगे और जो बाकी बच्चे हैं उसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नो, जिसका मतलब है जानना। जैसे आप ए बी सी डी जानते हो ना, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, तो आप जानते हो, तो इसको बोलते हैं जानना। फिर क्रॉस मतलब पार करना, एक जगह से दूसरी जगह पार करना। फ्लोट मतलब तैरना, फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरना आता है आप किसको, आपको तैरना आता है पानी में, आता है नहीं आता कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा। स्ट्रेच मतलब था खिंचाव, खिंचाव मतलब खींचना, जैसे वो रबर खींचते हो, रबर कोई रबर ढीला रबर होता है तो खींचते हो ना, या
कोई ऐसी चीज़ जिसको आप खींच सकते हो, तो खिंचाव जो उसके अंदर जो खिंचाव पैदा होता है उसको हम खिंचा स्ट्रेच कहते हैं। हिमसेल्फ मतलब स्वयं, जैसे आपने खुद अपने आप को मारा, यू हिमसेल्फ बीट योर सेल्फ, सॉरी यू हिमसेल्फ बीट यू, मतलब तुमने खुद अपने आप को मारा इस तरीके से। तो यू का यू होगा, जैसे माई का माई सेल्फ होता है मेरा, तुम्हारा का तुम्हारा योर सेल्फ होता है, वैसे उसका, जैसे उसने मेरी किताब फाड़ दी, उसने खुद मेरी किताब फाड़ दी, इसका क्या होगा, ही हिमसेल्फ टियर माई बुक, टियर मतलब फाड़ना, तो हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं किसी और के लिए। ठीक, रिवर मतलब नदी, तो सबसे बड़ी नदी भारत में कौन सी है, इंडिया में कौन सी सबसे बड़ी नदी है, और किसकी पूजा करते हैं हम लोग, गंगा नदी की, कावेरी नदी की, है ना, ये सब नदी जो है इनको रिवर कहते हैं। फिर जंप मतलब कूद गया, तो बंदर कूदता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो जंप। ब्रोक ब्रोक मतलब तोड़ दिया, जैसे आप खिलौना गुस्से में होते हो तो खिलौना तोड़ देते हो या कुछ तोड़ देते हो घर का सामान, तो ब्रेक मतलब तोड़ना और ब्रोक मतलब तोड़ दिया। लाउड मतलब जोर से, जब आप खाना मांगते हो मम्मी से, मम्मी खाना नहीं देती, तब जोर से बोलते हो मम्मी खाना भूख लगा है, तो लाउड मतलब होता है जोर से चिल्लाना। स्प्लैश मतलब इसको स्प्लैश पढ़ते हैं, स्प्लैश मतलब छप छप, बारिश की बूंदें होती है ना, तो आप छप 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 चलते हो जब पानी में, छप छप आवाज़ आती है ना पानी में, उसी को स्प्लैश कहते हैं। शुक मतलब क्या होता है, हिला कर रख दिया। अब दवाई जो मम्मी आपको पिलाती है, खांसी की दवा या ऐसी कोई दवाई जो सिरप होती है, जो शीशे में होती है, तो मम्मी उसको क्या करती हैं या पापा, उसको बढ़िया से हिलाते हैं पहले ना, तो उस हिलाने को ही क्या बोलते हैं, शेक। तो शेक को ही हम लोग शुक भी कह सकते हैं, इसका मतलब हिलाकर रख दिया। लाउ लाफ्टर मतलब क्या होता है, हंसी, हंसते हो ना, लाफ्टर, लाफ्टर मतलब क्या होता है, हंसी, हंसते हो आप, खुश होते हो, हैप्पी होते हो तब हंसते हो, आप कार्टून देखते हो तो उसमें आप लाफ्टर करते हो, हंसते हो, उसी को बोलते हैं। बर्स्ट मतलब होता है विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाना, और बिग बैंग मतलब होता है महाविस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट। ऐसे विस्फोट मतलब क्या होता है, जैसे पटाखे जलाते हो, बम जलाते हो ना दिवाली पे, तो बम से आवाज करता है ना, वैसे जब बहुत बड़ा बम मान लो आपके पास है, जब वो बम से करता है तो पूरा घर गूंज जाता है, वैसे एक और बहुत बड़ा बम होता है जो बहुत बड़ा तबाही मचाता है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, उसको हम बिग बैंग कहते हैं, महाविस्फोट। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी हम जब पढ़ें पढ़ेंगे चैप्टर में, उसमें ये सब वर्ड आएगा। चलिए पढ़ते हैं अब ये चैप्टर आपका। सो बच्चों, चैप्टर क्या नाम है, द बबल। द बबल मतलब जो आपके साबुन से या सोप से जो निकलता है बबल, या जो पानी में से बबल निकलता है वो। द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ, ये देखिए जो लिखा हुआ है STRAW, स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, स्ट्रॉ मतलब होता है दो, मैंने बताया था, या तो घास, सूखी घास जो होती है जो गाय या भैंस को दी जाती है वो वाली घास, या पाइप, इससे वो पाइप जो होता है, पाइप जैसा छोटा सा, जिससे आप कोई पाइप लगा के आप ठंडा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, है ना, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। एंड द शू, जूता। फोटो में देखो ये बबल है ना, गोला गोला, और ये आपका क्या है, ये पाइप है जो मैं बताता हूँ बता रहा हूँ आपको, और ये फिर शू है, जूता है, दिख रहा है ना ये तीनों आपको, ये तीनों। फिर लिखा है, अब इसकी स्टोरी देखिए क्या लिखा है। वंस, वंस मतलब क्या होता है, एक समय या एक बार। अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। इसको शू पढ़ते हैं, शू, क्या पढ़ते हैं, शू, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इसका मतलब ये होता है एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ बबल अ स्ट्रॉ एंड शू, वहाँ एक समय की बात है जब बबल मतलब बुलबुला और स्ट्रॉ और जूता, स्ट्रॉ मतलब स्ट्रॉ होता है, उसकी हिंदी कैसे बताऊँ मैं, पाइप, अब बोल सकते हो पतली पाइप जिसे हम ठंडा पीते हैं, तो ये तीनों जो थे, ये तीनों के तीनों एक समय एक जगह रहते थे। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन, वन डे एक दिन, वन मतलब एक और डे मतलब दिन, एक दिन दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट मतलब कि एक दिन वे, डे मतलब ये दे किसके लिए आया है, ये आया है दे आपके जूत मतलब जूतों के लिए आया, किसके लिए आया है,
जूतों के लिए जो इन्होंने पहना है। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, एक दिन वो लोग कहाँ चले गए, जूत फॉरेस्ट चले गए। कौन कौन? जूता और जो पाइप आपको दिख रहा है जिसे हम कोल्ड ड्रिंक में पानी पीते हैं, और वो बबल नहीं तो कि बुलबुला। तो ये तीनों एक दिन कहाँ गए? जंगल की ओर। कहाँ गए? जंगल को। जंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। देखिए यहाँ लिखा साफ साफ, ये जो बड़ा सा लिखा हुआ है, लिखा है ना FORESTE, इससे ही क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक। दे केम टू अ रिवर, रिवर मतलब नदी। वो नदी तक आए, यानी कि नदी के पास आए। वो गांव, जैसे आप जंगल में मूवी में देखते हो या टीवी में देखते हो कि जंगल के हर हर जंगल में नदी होती है, तो वही लिखा है दे केम टू अ रिवर। वो कहाँ आए? नदी पर आए, यानी कि नदी के पास आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। क्रॉस मतलब पार करना, जैसे आप सड़क पार करना नहीं जानते हो, मान लो तो आपकी मम्मी, आपके पापा, भैया, दीदी, कोई हेल्प करता है आपको ना सड़क से इस पार से उस पार ले जाने में, क्यों? क्योंकि आपको सड़क पार करने नहीं आती। वैसे ही लिखा है दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, वे नहीं जानते। दे मतलब होता है वे, वे कौन? वो जो तीनों लोग थे वो नहीं जानते थे। नो मतलब ये जो नो लिखा है, ये वाला नो, KNOW, ये वाला जो नो है इसका मतलब होता है जानना, और नॉट मतलब नहीं। तो वो लोग नहीं जानते थे। हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब जो लिखा है ना HOW, उसका मतलब होता है हाउ, हाउ टू क्रॉस इट। वे नहीं जानते थे कि कैसे इसको क्रॉस करना है, किसको? नदी को। द शू सेड, शू ने कहा बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, शू ने कहा बबल से, सॉरी, शू ने कहा बबल से लेट अस फ्लोट ऑन यू, कि चलो तुम पे हम फ्लोट करते हैं, तुम पे हम तैरते हैं, मतलब तुम जाओ पानी में जाओ, और तुम पे हम क्या करेंगे, तुम पे हम स्ट्रॉ और जूता दोनों लोग क्या करेंगे? तैरेंगे। फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। ऑन यू, ऑन यू ऑन मतलब पर, ऑन यू मतलब कि मान लो कि आप तीन दोस्त जा रहे हो, तीन दोस्त, एक दोस्त बोलता है कि हम दोनों तुम्हारे पे तैर के जाएंगे। वैसे ही जो जूता था, वो जूता जो था वो बबल से, बुलबुले से कहता है कि चलो हम तुम पर, तुम्हारे पर सवार होकर नदी पार करते हैं। नो शू, नो मतलब नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। हाँ, चल नो शू, तुरंत, जैसे होता है ना कि आप बोलते हो चलो खेलने चलते हैं, तो आपका दोस्त बोलता है नहीं नहीं जा रहे हैं, मम्मी डांट रही है। वैसे ही इसमें लिखा है जब शू जूता बबल से कहता है कि चलो तुम पे हम सवारी करके, तुम पे हम बैठ कर फ्लोट करते हैं, मतलब बहते हैं, तो उसका जवाब है नो शू, नहीं जूते नहीं। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर, जो स्ट्रॉ है उसको फैलने दो, खींचने दो, जानता है कि स्ट्रॉ बड़ा होता है, लंबा होता है, तो बबल कह रहा है इसको फैलने दो खुद से। फ्रॉम वन बैंक टू, बैंक मतलब क्या होता है? वन बैंक टू अदर, वो बैंक नहीं होता है जो बैंक में पापा मम्मी जाते हैं पैसा जमा करने, वो बैंक तो बैंक होता है, लेकिन बैंक मतलब किनारा होता है, कोना, जैसे आपके घर का कोना है ना, होता है ना घर का कोना, उसे हम बैंक कह सकते हैं। नदी का कोना होता है ना, आप कहीं घूमने जाते हो, घाट पे घूमने जाते हो या नदी किनारे घूमने जाते हो, तो उस नदी किनारे जो घूमने जाते हो उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक। तो वो जो बबल है, जो बुलबुला है, वो शू से बोल रहा है कि नहीं, शू मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तुम स्ट्रॉ से कहो कि स्ट्रॉ जो है वो अपने आप को फैला दे, अपने आप को खींच दे एक किनारे से दूसरे किनारे पर। ये इसकी स्टोरी है। फिर लिखा है देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तब हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। देन मतलब तब, देन मतलब ये देन लिखा है ना, ये देखिए TEN लिखा है ना यहाँ पे साफ साफ बीचों बीच, इसका मतलब होता है देन, तब। वैन देन वी कैन क्रॉस द रिवर, तब हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर, इसलिए, सो मतलब क्या होता है? इसलिए बोलते हैं ना, इसलिए हम नहीं लिख पाए, हमें बुखार था इसलिए हम नहीं लिख पाए, तो सो मतलब होता है इसलिए। ये जो सो लिखा है ना SO, सो मतलब क्या होता है? इसलिए। सो द स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू, सॉरी, द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ
फ्रॉम वन बैंक टू अदर। तो जो स्ट्रॉ था इसलिए, क्योंकि तीनों दोस्त थे तो सलाह दिया, तो बबल ने कहा कि नहीं, स्ट्रॉ जो होता है वो लंबा होता है, उसको फैल जाने दो एक किनारे से दूसरे किनारे। तो वही स्ट्रॉ ने किया, स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, स्ट्रॉ ने अपने आप को फैलाया फ्रॉम वन बैंक टू अदर, एक बैंक से दूसरे बैंक तक, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक। व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ, जब जो शू था, जूता था, वो स्ट्रॉ पे कूदा, जंप मतलब कूदा या कूदा, सॉरी कूद 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 गया या कूदा, तो जब शू जूता स्ट्रॉ पे कूदा, इट ब्रॉक, वो टूट गया। क्यों? क्योंकि जूता भारी होता है और जो स्ट्रॉ होता है पतला होता है, आपको पता है जब पीते हो कोल्ड ड्रिंक तो बहुत पतला होता है ना, तो वही लिखा है, या आप जब पीते हो माजा पीते हो या 10 रुपये का ऑरेंज जूस पीते हो, उसमें होता है ना छोटा सा पाइप, वो वैसा ही पाइप आप मान लीजिए। व्हेन द शू जंप्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक, जब जूता, देखें आप फिगर दिख रहा है ना, जब जूता स्ट्रॉ पे गिरता है तो क्या होता है, स्ट्रॉ टूट जाता है, इट ब्रोक। द शू फेल इन टू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश, और जो जूता होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से स्प्लैश मतलब छप छप होता है, लेकिन छप छप जो पानी में चलते हैं वैसा, लेकिन यहाँ मतलब एक जैसे आप कोई बहुत बड़ा सामान जब बाल्टी में गिराते हो तो ठक से आवाज आती है ना, या कभी आपने नदी में या कहीं भी आपने कभी बहुत भारी सामान गिराया तो फट से आवाज आती है। फट मतलब कहने मतलब है कि एकदम जिससे लगता है कि पूरा पानी बाहर आ गया, ऐसा होता है ना, वैसे ही लिखा है। द शू फेल इन टू द वाटर, जो शू था जूता था वो कहाँ चला गया, पानी में, विद अ लाउड स्प्लैश, बहुत ही बुरे, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से छप छप की आवाज़ से, यानी कि नहीं होता, आप एक ईंटा बहुत ऊपर से डालो पानी में तो छिट्टा पड़ता है ना, वही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि बहुत बड़ा छिट्टा पड़ा और आवाज़ के साथ। द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड ब्रस्ट विथ अ बिग बैंग, द बबल शुक एंड शुक, जो बबल था जो बुलबुला था वो हिला, नहीं होता कि खुशी के मारे हिल गया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वही शुक एंड शुक, वो हिला, बड़े खुशी से हिला वो मजाक के रूप में, विथ लाफ्टर, हंसी से, कि अरे वो स्ट्रॉ पे गिरा वो टूट गया, तो उस हंसी से वो क्या हुआ, वो हिलने लगा, अपने आप फिराने लगा, कौन, बुलबुला अपने आप को हिलाने लगा, क्यों, क्योंकि जो जूता था वो स्ट्रॉ पे पड़ा तो स्ट्रॉ भी टूट गया और जूता भी कहाँ चला गया, पानी से, इसलिए जो बुलबुला था वो हंसते हंसते मतलब हिलते हिलते हंस रहा था, एंड ब्रस्ट विथ अ बिग बैंग, और फिर क्या हुआ, टकरा गया एक बड़े ठोकर से, बड़े स्पोर्ट से, आप फिगर में देख सकते हो वो हंस रहा है, आपको चेहरा दिखना ना, ये देखिए ये हंस रहा है, फिर भी क्या हुआ, वो ध्यान नहीं दिया होगा पीछे क्या था, पत्थर था, उसे टकराया और वो भी क्या हो गया, बिग बैंग, बड़ा सा विस्फोट हो गया, मतलब फूट गया, वो जो बुलबुला था वो भी क्या हो गया, फूट गया। ठीक, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम समझदारी से काम नहीं करेंगे तो यही होगा, हमें हर एक काम समझदारी से मन लगा के करना चाहिए, नहीं कि कुछ भी कर लो ये नहीं तो वो नहीं। तो आपके साथ भी जो बच्चे हैं उनसे सीखो, उनसे भी याद करो, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। सो ये जो आपकी स्टोरी है वो स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, और स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने दोस्तों के साथ सही तरीके से, दोस्तों क्या, अपने घर वालों के साथ, पापा मम्मी दादा दादी, या आप कहीं नानी घर रहते हो, बुआ घर रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आप सबको साथ में लेके चलो और समझदारी से, आप बड़े हो गए हो, वन में चले गए आप, तो आप थोड़ा समझदारी से चीज़ों को देखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर से आपको स्टोरी बता दें, स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि एक समय एक बबल, स्ट्रॉ और शू एक साथ रहते थे। एक समय वो लोग जंगल गए, कहाँ गए, जंगल, फॉरेस्ट गए, फिर वहाँ पर उन्होंने एक रिवर देखा, क्या देखा, रिवर, रिवर मतलब क्या होता है, नदी, उन्होंने नदी देखा, फिर उनको पता नहीं था, नो मतलब नहीं, सॉरी जानना, और नॉट मतलब नहीं, नॉट नो मतलब नहीं जानते थे कि कैसे क्रॉस करते हैं, क्रॉस लिखा है ना, कैसे क्रॉस करते हैं नदी को। तो जो शू था, जूता था, वो बोला बबल से कि चलो मैं और जो स्ट्रॉ है वो तुम पे सवारी करें, यानी कि तुम पे तैरे, तुम नीचे जाओ पानी में जाओ, हम तुम पे तैरेंगे, ये जूते ने कहा। फिर जो बबल है, जो बुलबुला है, वो बोलता है नहीं 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 शू,
जो स्ट्रॉ है, जो ये जो स्ट्रॉ है पतली सी, वो अपने आप को क्या करे, फैलाए फैलाए एक बैंक से दूसरे बैंक, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने तक। तो यही काम जो था, उसके बाद हम रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। ये रिवर का, रिवर का जो क्रॉस रास्ता है वो क्या है, पार कैसे पा सकते हैं, जब ये स्ट्रॉ अपने आप को फैला के रखेगा तो हम आराम से पार कर लेंगे। तो जो स्ट्रॉ था उसने बड़े ही अच्छे तरीके से एक कोने से दूसरे कोने तक क्या की, अपने आप को फैला लिया। जैसे यहाँ देखिए, फैला लिया ना, एक कोना ये देखिए, ये कोना यहाँ है और एक कोना यहाँ है, उसने अपने आप को अच्छे से फैला लिया था। बट हुआ क्या कि जब जैसे ही जो जूता था वो कूदा, क्योंकि जूता भारी होता है, जैसे ही वो कूदा स्ट्रॉ के ऊपर, स्ट्रॉ टूट गया। जैसे मान लीजिए आप भी बहुत छोटे हो, आप पे कोई मोटा आदमी गिर जाता है तो आप क्या होता है, पूरा दब जाते हो, वैसे ही जो स्ट्रॉ था वो भी क्या हो गया, टूट गया। और जो शू था, जो जूता था, वो कहाँ चला गया, पानी में चला गया, बहुत ही भारी आवाज़ में। मतलब जब पानी बहुत गिरा तो बहुत ही झटके से आवाज़ आई, जोर से। बबल भी क्या हो गया, भौचक्का हो गया, और भौचक्के होते हुए वो हंसने लगा। मतलब वो भौचक्का, अरे ये कैसे हो गया कि मेरे दोनों दोस्त टूट गए, एक टूट गया एक पानी चला गया। तो वो देखकर आश्चर्य हो गया, वो भक्का हो गया और वो हंसने लगा। एंड ब्रस्ट विथ अ बिग बैंग। और हुआ क्या कि वो टकरा गया, ठोकर खा गया एक बिग बैंग पे, यानी कि वो भी पीछे उसने देखा नहीं, पत्थर होगा, पत्थर से आप फिगर देख सकते हो फोटो में, पत्थर टकराया और बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। तो इससे हमें क्या सीखने मिलती है कि किसी पे मजाक नहीं करना चाहिए किसी दूसरे पे, और हमें हमेशा एक साथ काम करेंगे अच्छे से तो हम आराम से एक कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का मतलब है। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर व्हाट्सएप पे शेयर करें इसको, ठीक है, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों शेयर करें, और साथ में लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वो जो सब्सक्राइब लिखा उसको क्लिक करो तो रेड हो जाएगा, वो क्लिक कर दो, फिर घंटी टाइप का होगा उसको क्लिक कर देना, ठीक। तो आपको नया वीडियो वन का, अगर मैं कभी और डालूंगा, मतलब नेक्स्ट टाइम डालूंगा, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर मतलब होता है अपने दोस्तों को बताना कि देखो ये वीडियो है, इसमें सर ने अच्छे तरीके से समझाया, आप ऐसे बता देना, वो भी समझ जाएंगे, ठीक। सो एट लास्ट आपको ढेर सारा थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।